YouTube family, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हो फिट एंड हेल्दी रहने के लिए. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप आपके लोअर चेस्ट, जो आपका लोअर पार्ट होता है चेस्ट का, उसको आप ट्रेन कर सकते हो, उसके फैट को रिड्यूस कर सकते हो. तो उसको ट्रेन करने के लिए, उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं कि लोअर चेस्ट को ट्रेन नहीं करते. वो लोग को ऐसा मीथ होता है कि लोअर चेस्ट को ट्रेन करेंगे तो वो जो मेन बूब्स है वो दिखेंगे, बट के वो ऐसा कुछ नहीं होता है. वो एक अलग ही थ्योरी है. मतलब आपके जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल, जो फीमेल हार्मोन जब बढ़ने लगता है, तब जाके वो चीज़ दिखता है आपका. ऐसा नहीं है कि वो कि आप लोअर चेस्ट को ट्रेन कर रहे तो ऐसा दिखने लग जाएगा करके. तो ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं जाना है. आपके टेस्टो लेवल को हाई रखना है, एस्ट्रोजन को ट्राई करना है कि कम से कम रखे. तो उसके लिए आपको अच्छे न्यूट्रिशंस और अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो चलिए मैं आपको पांच ऐसे एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिनके हेल्प से आप आपके लोअर चेस्ट को एक अच्छा ही शेप दे सकते हैं. तो चलिए चलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगा वो हमारा बारबेल डिक्लाइन प्रेस रहेगा. सो जो हमारा ग्रिप रहेगा वो शोल्डर स्लाइटली सा वाइड रहेगा. मैंने जो हमारा बेंच है डिक्लाइन बारबेल प्रेस का, ये मैंने जो है पावर केज पे सेटअप कर लिया है. सो देखिए, जो जो बार है मेरे लोअर चेस्ट तक आ रहा है कुछ इस तरीके से, पूरा चेस्ट के पास तक लाना है एंड फिर अप. ओके, वेरिएशन जो कि सबको पता ही रहेगा कि क्रॉस ओवर है हमारा, शोल्डर स्लाइटली वाइड पे उसका हम सेटअप रखना है करके, ज़्यादा अंदर भी नहीं और ज़्यादा बाहर भी नहीं, शोल्डर से थोड़ा सा ही वाइड और कुछ इस तरीके से एक पैर आगे और एक पैर पीछे. बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग होता है कि कौन सा पैर आगे रखे कौन सा पीछे रखे करके. सो गाइस, जिससे आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो वही लेग को आप आगे की तरफ रखिएगा, और जो आपके अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ डाउन, और जो आपका जो हैंडल है वो स्टर्नम, जो आपके चेस्ट के बीच का जो है स्टर्नम हमारा, वहाँ तक लेकर आएंगे. एंड जब पीछे जो है वो सिर्फ शोल्डर लेवल तक ही लेके जाइएगा. तो कुछ इस तरीके से स्क्वीज करिए. तो चलते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज की तरफ. ये भी यह काफ़ी मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए, बिकॉज ये क्या है ना, मेरे चेस्ट जो आपके जो
सो ये थे पांचों एक्सरसाइज हमारे लोअर चेस्ट के लिए। ये पांचों एक्सरसाइज आपके चेस्ट रूटीन में ऐड करिए, हालांकि एक ही दिन में पांचों नहीं ऐड करना है। अगर फर्स्ट वीक में आप चेस्ट को ट्रेन करें तो कोई तीन ले लीजिए, एंड जो बाकी के दो है वो अगले वीक में जब चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तभी ले लेते। एक दिन में पांच लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज आप इंक्लाइन और फ्लैट को भी ट्रेन कर रहे रहोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहेगा, तो टायर्ड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, 3-2 या 2-3 करके ऐसा आप ले सकते हो। और वन मोर थिंग्स कि आपको जो वेट्स है वो, हाँ, जब आप प्रेस मूवमेंट ले रहे हो ना तो उसमें आप हैवी लिफ्ट करिए, बट इतना हैवी नहीं कि 4-5 लोग के का हेल्थ लगेगा। ओके, सो इतना वेट्स ले लीजिए, 12-15 रेप जाए। लेकिन जब आप क्रॉस या फ्लाई मूवमेंट ले रहे हो, जो हमारा सर्कुलर मूवमेंट होता है, उसमें आप मॉडरेट वेट को ही लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पाउंडेज को लिफ्ट करने की कोशिश ना करिए, एंड फोकस रखिए कि मसल अच्छे से ट्रेन हो करके, ना कि सिर्फ थको आप, मसल फटना चाहिए तभी जाकर रिपेयर होगा और डेवलप्ड होगा करके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे सो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, यार मेहनत लगती है। सो दैट्स इट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।